कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत केरल में राहुल गांधी से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने आज तक से कहा कि एक व्यक्ति एक पद की बात एकदम ठीक है। उससे पहले राहुल गांधी ने भी संकेत दिए थे कि पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद का जो संकल्प लिया है उसे बदला नहीं जाएगा। इस बीच अब ये लगभग तय हो चुका है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अशोक गहलोत को शशि थरूर के साथ मनीष तिवारी की भी चुनौती देने का मन बना रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों की तकरार तेज होती जा रही है। विशेष सत्र बुलाने की अर्जी खारिज हुई तो आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा तक शांति मार्च निकाला। पुलिस ने रोका तो पार्टी के विधायक बीच सड़क धरने पर बैठ गए। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के निवास के घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। उधर कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर कानून से खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अचानक दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। मोहन भागवत ने इमाम से करीब एक घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद मोहन भागवत मस्जिद के पास ही चलने वाले मदरसे में भी गए और छात्रों से बात की। इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया और कहा कि आरएसएस चीफ उनके न्योते पर मदरसा आए थे। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी के जिला कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। खास बात यह है कि ये याचिका भी उन्हीं महिलाओं की ओर से दाखिल की गई जिन्होंने कोर्ट से श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने संबंधी याचिका दाखिल की। हिंदू पक्ष के मुताबिक कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष से आपत्तियां दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पाबंदी पर सुनवाई पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने लगातार 10 दिन तक सुनवाई की। सुनवाई के शुरुआती 6 दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखा, जिसमें हिंदू सिख ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी परमिशन दिए जाने की मांग की। जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। हाईकोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मुख्तार ने तलाशी लेने पर जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी। MP MLA कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 मुकदमे हैं, जिनमें से 4 गैंगस्टर एक्ट के हैं। ये पहला मौका है जब मुख्तार अंसारी को किसी कोर्ट से सजा सुनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक में पूंजी की कमी और आमदनी की संभावनाएं नहीं होने के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया। RBI ने अपने बयान में कहा कि 99% से ज्यादा जमाकर्ता अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। RBI ने बैंक को अपने खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक वापस करने के निर्देश दिए। इससे पहले रिजर्व बैंक ने साल 2021 में महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द किया था। दिल्ली NCR में झमाझम बरसात हो रही है। इस बरसात का जोरदार असर गुरुग्राम में देखने को मिला। सड़कों पर तालाब का मंजर दिखा, लोग गर्दन तक पानी में डूबकर आते जाते दिखे, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। बरसात के बाद लोग घंटों तक भारी ट्रैफिक जाम में परेशान होते रहे। NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब तक बद्रीनाथ धाम में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पहली बार धाम में 13 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। आज तक इतने श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में नहीं पहुंचे थे। वहीं हर दिन लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन को पहुँच रहे हैं। साक्षात भगवान का दर्शन किया, पति दर्शन, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ की सरकार की व्यवस्था और भगवान की कृपा दोनों बहुत सही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बारिश की वजह से बदहाल हो गया। सैकड़ों तीर्थयात्री जो बारिश में फंसे हुए हैं, उन्हें आश्वासन देते हुए अपर जिलाधिकारी ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की, साथ ही सभी बंद सड़क मार्ग खोलने की उम्मीद दी है। ऐसे हालात में यात्रियों ने राज्य सरकार और प्रशासन पर खासा नाराजगी जताई है।
राजस्थान के सीकर में नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर लगातार एक माह से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो तीसवें दिन भी लगातार जारी है। धरने के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर जिला प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के इटावा में मूसलाधार बारिश ने कई लोगों की जान ले ली। शहर के मोहम्मद आरिफ का परिवार किराए के मकान में रहता था। सुबह सही सलामत परिवार छोड़कर गया था, लेकिन तेज बारिश में पड़ोसी की दो मंजिला मकान की दीवार आकर गिर गई, जिससे कमरे में सो रहे पांच लोग दब गए। पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर रेस्क्यू किया। दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई, लेकिन घटना में दबे तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के औरैया में 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हालात ये हो गए हैं कि फायर स्टेशन लगभग 5 फुट तक पानी में डूबा हुआ है। फायर स्टेशन में भरे हुए पानी को निकालने के लिए नगरपालिका परिषद, औरैया और फायर विभाग की 6 गाड़ियों की मदद ली जा रही है। पानी भरने की वजह फायर स्टेशन के पीछे बने तालाब की दीवार टूट जाने को बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरा शहर नदी नालों में तब्दील हो गया। लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के अस्पताल में नर्स और ब्लड बैंक के स्टाफ ने बड़ी लापरवाही की। 9 दिन के नवजात को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, जिससे नवजात का पूरा शरीर काला पड़ गया। मामला सामने आने पर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं परिजन को बच्चे की जान की चिंता लगी है। परिजन ने अस्पताल के कर्मचारियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। राजस्थान के जोधपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पिता ने अपने दोनों मासूम बेटों की गला घोटकर हत्या कर दी, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। वारदात के दौरान दोनों मासूमों की मां खेत में गई हुई थी। दोनों बच्चों के शव रात को मकान के कमरे में मिले और कुछ दूरी पर पशुओं के चारे के लिए बनाए गए कमरे में पिता फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की वजह घरेलू विवाद थी, जिसके चलते पिता ने ये कदम उठाया। हरियाणा के सोनीपत नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने सब्जी लेने निकले पिता पुत्र को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस दोनों की पहचान नहीं कर पाई है। जब पत्नी ने डायल 112 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्हें हादसे की जानकारी मिली। राजस्थान के अजमेर में नशीला पदार्थ सुखाकर घर के नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ घर में रखे लाखों रुपए के गहने और 2 लाख रुपए लूट लिए। नौकर कृष्णा शांति से वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन मकान मालिक की बेटी के घर पहुंचने पर हड़कंप मच गया और वो आनन फानन में माल समेट कर भाग गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला का ऑपरेशन करने से पति ने नाराजगी जताई तो अस्पताल के स्टाफ ने बंधक बनाकर मारपीट की। परिवार के अनुसार महिला को प्रसव पीड़ा होने पर न्यू इंडिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी महिला का ऑपरेशन कर दिया और जब ऑपरेशन करने की वजह पूछी गई तो स्टाफ ने मारपीट की। मुंबई से सटे डोंबिवली में पुलिस ने लाखों रुपए के गुटखे से भरे एक ट्रक को जब्त किया। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं सम्मान अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस ट्रक के मालिक मुन्ना उर्फ शफीक शेख को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।